जी मैंने पानी रखा हुआ है, मैं कर रही हूँ दुआ के लिए एक बॉयल, क्योंकि उसकी तबीयत जो है ना वो सही नहीं है। तो उसको मैं ये दो एक बॉयल करके दे देती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं खा रही है वो। स्कूल दोनों बच्चे चले गए हैं, वो नहीं गई है। बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये सब कुछ उसको हुआ पड़ा है। अभी डॉक्टर आएगा 10:30 बजे, तो फिर मैं उसको दिखाने के लिए जाती हूँ। तो जी अंडे बॉयल हो गए हैं ये वाले, और मैंने ज़्यादा इसको बॉयल नहीं रखा। मेरी दुआ को ये इस तरह का एग जो है ना बहुत पसंद है। अब इसमें मैं काली मिर्च और नमक डाल देती हूँ। ये मैंने एग बॉयल कर दी है, अब ये दुआ खा ले तो फिर मैं इसको चाय बना देती हूँ। बुखार भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तप रही है इस टाइम। दिखाती हूँ डॉक्टर आता, ठीक है। नहीं फिर पर्दे आगे कर देती हूँ, क्योंकि दुआ सो गई है नाश्ता करके, तो सो ही रहे। थोड़ा इस रूम में अंधेरा होगा तो काफ़ी देर तक सो ही रहेगी। इस गली में शोर बहुत ज़्यादा होता है, इस घर इस वाले रूम में। तो फिर मैं तो कब से कह रही हूँ उधर चल, लेकिन नहीं चल रही। चलो अब इधर ही सो ही रहे। माशाल्लाह से मेरा पुत्र आज बाइक पे लेके गया था अपने भाई को स्कूल, है ना। चलो माशाल्लाह। कितने नंबर कटे हैं? आधा। अब अजान किसके? हुसैन के। टेस्ट अच्छे हो रहे हैं। चलो अच्छा, और अच्छा करने की कोशिश करना। क्या हुआ? ये इंग्लिश में थी, ये उर्दू में। 10 में से 8 मिस्टेक की है ना। भाई पता है क्या, टीचर टीचर देखो जमीन में। मैं आ गई हूँ छत पे, मैंने मल लगाई है मशीन। इंसान बन इंसान, ये क्या कर रहा है? निचोड़ रहा है। आ गया तंग करने। एक चक्कर कपड़ों का मैंने निकाल दिया, दूसरा मैंने मशीन में डाल दिया। जब तक मैं इसको सुखा लो। तू चप्पल बन के वो क्यों नहीं आया? मैं? हाँ आता हूँ। ऐसे आ गया नंगे पाँव? छोड़ डोरी, वो टूट जाएगी। नहीं कर, चप्पल पहन के तो आया हूँ। कहाँ पहनी है दिखा मुझे। मेरी आंखें नहीं होंगी जब मैं नहीं देख रही। किचन के ऊपर वाले जो है ना कैबिनेट, उसके ऊपर पड़े। उठा देती हूँ, रुक जा। मुझे लगता है रात को बारिश आएगी, जैसे मौसम गंदा लग रहा है। और ये देखें सूरज, आगे सारे बादल आए हुए। इस टाइम ये बिल्कुल लग रहा है ऑरेंज कलर का बॉल, नहीं होता जिस तरह, है ना। वो नहीं दिख रहा, देख ऑरेंज ऑरेंज कितना ऑरेंज लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत और लग रहा है। कपड़े ख़राब कर रहा है। ऊपर आया इसने, मुझे बड़ा दुखी किया हुआ। अब मैं इसको लेके नीचे जा रही हूँ। ये तो मुझे कपड़े नहीं धोने देगा। ये मैं मशीन में डाल लूँ, फिर मैं चलती हूँ। सीढ़ी पे कपड़े रखे, ये भी धोने वाले हैं। चल उतर, तंग करके रख दिया। ट्यूशन से आ गए हैं, इसको मैं नीचे लेकर आई हुई हूँ। और यहाँ मैं रख रही हूँ उसका पानी गर्म, क्योंकि इसको मैं नहला दूँ फिर। वो दोनों ट्यूशन से आ गए हैं, इसकी आज छुट्टी थी नहीं गया। अब नीचे लेकर आई हूँ, मैं का गर्म पानी करूँ और उसको जल्दी से जो है ना वो नहला देती हूँ, ताकि ये जल्दी से नहा ले। पानी ठंडा बहुत है। मैंने गर्म पानी, हाँ ठीक है, फिर नहा लो, फिर बना देती हूँ नूडल्स। सही है। और दुआ की भी तबीयत, दुआ भी यहाँ बैठी हुई है। दुआ की तबीयत जो है ना
वो भी सही नहीं है, बुखार है उसको काफ़ी हद तक। अब दिखाती हूँ डॉक्टर को, चलते हैं। मेरे पुत्र ने मुझे पकाने को सामान ला के दिया है, ट्यूशन से आया है, फिर मेरे बच्चे ने मुझे पकाने का सामान ला के दिया है। आज मैं ये बना रही हूँ काले मसर की दाल, ये बहुत टेस्टी बनती है। अच्छा, मैं इसकी बिरयानी भी बनाती होती हूँ और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी इसकी बिरयानी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। लेकिन अभी जो मैं ना इसके साथ वाइट चावल बनाऊँगी, साथ ये मैं काली मसर की दाल बनाऊँगी और फिर आपको मैं दिखाऊँगी। अभी बिरयानी बनाई तो वो भी आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी। और सब्ज़ी मैं लेकर आया, आज तो धनिया भी मिला ली। हाँ, दूसरी दुकान से लाया। सही है, आज हरा धनिया भी मिला है, खीरे हैं और प्याज है और टमाटर जो थे मेरे पास थे पड़े हुए, बाकी हैं ये चावल। तो खाना बनाएंगे रात का, फिर बिस्मिल्लाह करना आप लोग सब मिल बैठ के हमारे साथ। मुझे सब्ज़ी में धनिया आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धनिया नहीं मिलता होता आप सबको पता है। तो बस हम जल्दी से पानी गर्म हो जाए उसका, उसे इनका फिर करते हैं खाने की तैयारी। और ये दाल ऐसे पहले रख दूँगी, पानी उतर जाए फिर दाल को पहले बॉईल कर दूँगी मैं। अब बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, इसको जल्दी से बॉईल कर लेते हैं। क्या हुआ इतनी? जल्दी दे नहा ले। हाँ। बस मेरी दाल बन जाए ना। हाँ चलो पहले कपड़े चेंज करो, बना देती हूँ जल्दी से, कपड़े बदल। पानी नहीं चाहिए बता। अच्छा, बस ज़्यादा चीनी नहीं लेते। मम्मा डाल दो इसको, टेस्ट भी नहीं आता। 50 रुपए की दही है। हाँ थोड़ी जोर डालो। अली इतना चीनी नहीं खाते पुत्र, क्या हो गया? चल अब बैठ के खा। बन चुका है और यहाँ पे ये बैठ के देख रहे हैं ये वाली मूवी, ये लोग मूवी देख रहे हैं। और साथ जो है ना ये चाट बना रहा है अली मेरा, फ़लस्तीनों और इसराइलों। फ़लस्तीन का एक बनाया इसने फ्लैग और एक इसराइल का, है ना। खाना भी मेरा तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े के दाल चावल बने। अच्छा, खाना बनाते वक्त मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी एडिटिंग कर रही थी वीडियो की, जो भी मैंने अपलोड की है। और ये दाल मेरी बनके तैयार है, ये चावल भी मेरे बन चुके हैं गर्मा गर्म। ओए ओए, और ये मैंने सलाद का सामान निकाल लिया यहाँ पे, इसका मैं बनाती हूँ सलाद, तो फिर खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम याली मदद, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आप लोग की दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, मैं यहाँ पे बात करने थोड़ा सा चाहूँगी। कल वाली ना, कल की वीडियो पे थोड़े से कमेंट्स हैं और उससे कुछ पहले भी कमेंट्स हैं जिसको मैं अब तक इग्नोर करती आई हूँ। बात होती थी कि ये मेरे दिया जलाने वाली बात पे, या ज़्यादातर होता था कि जब मैं याली मदद करती थी जिक्र, तो कल वाली वीडियो पे भी इस तरह के थे कि आपका ये दिया जलाना जो है ना, ये लगता है जैसे कि हिंदुआना अंदाज होता है वो, और इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप हिंदू मज़हब पे भी बात कोई किस तरह कर सकते हो, हर किसी का अपना अपना मज़हब होता है। और अगर मैं दिया जलाती हूँ तो आप सब लोगों को पता है कि मैं अहले बैत से हूँ, तो मैं दिया जलाती हूँ तो किसी इंसान के आगे दिया नहीं जलाती। मौला अब्बास का अलम रखा हुआ है, मैं अलम के आगे दिया जलाती हूँ। और दिया जलाना उनके आगे एक चिराग होता है, ये तो एक चिराग जलता है, तो इसमें क्या भला बुरी बात आ गई है? आप लोग, अगर हम लोग अपने जाते हैं मतलब के ना, जहाँ पे अलम होता है वहाँ पे इतने सारे दिए रखे होते हैं, आप क्या उन पे भी जाके बातें करते हो कि यहाँ पे दिया जलाने का ये क्या किस्सा है? तो ये किस्सा सिर्फ मेरा और मेरे मौला का है, क्योंकि मैं इस चीज़ को हम लोग शुरू से फॉलो करते आए हैं। और मैं अपने चैनल पर ये चीज़ नहीं, इस तरह नहीं कि मैं सिर्फ अपने चैनल पर दिखाती हूँ, मेरे चीज़ घर में भी ये चलती होती है, दिया जलना या याली मदद बोलना। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ऊंची आवाज़ में याली मदद बोल जाते हैं, मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं याली मदद बोल जाते हैं, हम कहीं भी आते जाते हैं हम याली मदद ज़रूर बोलते हैं। पहले पहले जब मैंने शुरू शुरू में चैनल स्टार्ट किया था, उस टाइम पर भी जो है ना मुझे याली मदद वाली बात पे बोल के काफ़ी लोगों ने मुझे, मेरे ऊपर इस तरह से की थी बातें की थी, मुझे गालियां तक सुननी पड़ी थी। लेकिन फिर कुछ मेरे मोमिन भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि अब यहाँ पे अपनी जॉब कर रही हो तो इसीलिए छोड़ दो, आप मत बोलो भले। तो
तो आप यहाँ पे समझो अपनी जॉब लाइफ में हो, तो आप सलाम बसरफ कर लो, वरना मैं अपना जो है ना सबसे शुरू शुरू का जो मेरा ब्लॉग था और शुरू का लेके बहुत टाइम तक मैं याली मदद ही कहती थी। तो दिया जला रही हूँ मैं, अलम के आगे चला रही हूँ मैं, अहले बैत से हूँ, तो मैं मानती हूँ अपने, मैं अपने मोमिन हूँ, मौला की मानने वाली हूँ, अली को मानने वाली हूँ, तो मैं इस चीज़ को तो कभी भी नहीं छोड़ सकती। यहाँ पे मुझ पे लाख बातें हों, किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे, मेरे दिल को सुकून मिलता है, मेरे दिल को अच्छा लगता है, तो इस चीज़ को लेके मैं चलती रहूँगी जब तक मैं हूँ या जब तक मेरे बच्चे हैं। हम तो इस चीज़ से जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे। जिनको अच्छा लगता है वो देखें। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ। हर किसी का अपना अपना मज़हब है, कोई किसी के बारे में यहाँ पर गलत बात नहीं कर सकता है। ये कोई किस्सा यहाँ पर कोई जादू तो ना नहीं हो रहा है दिया जला के। यहाँ पर मन्नत मांगी जा रहा, मन्नत क्या मत, दुआएं मांगी जा रही है। मन तो खैर हम लोग जाते हैं, हम तो शाह शमस भी जाते होते हैं, वहाँ भी जाके हम लोग दुआ मांगते हैं, तो यहाँ पे तो दुआ मांगती हूँ मैं, तो अलम के आगे रख के दुआ मांग रही हूँ। तो इस तरीके से आप मत बोलो, मेरा अपना ये है मामला है, मेरा मौला के साथ मेरा मामला है ये, तो मैं जो भी कर रही हूँ अपने दिल के सुकून के लिए कर रही हूँ। जो मेरे भाई बहन मोमिन है ना, वो मुझे कभी भी, वो कभी भी अली को मानने वाले को इग्नोर नहीं करेंगे। जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस चीज़ के साथ जुड़ी हूँ, हमेशा जुड़ी रहूँगी मेरे चैनल पर। जब तक मेरा चैनल है आप मुझे इस चीज़ के साथ जुड़े हुए देखोगे। और याली मदद भी बोलना, काफ़ी लोगों पर कमेंट भी आया, शर्म कर जाओ अब याली मदद क्यों नहीं बोलती, जब बोलती थी तभी भी सुनती थी, जब नहीं बोलती तभी भी सुनती हूँ। दिल दुखता है मेरा बड़ा, बहुत मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं अपने मौला का नाम नहीं ले सकती, मैं याली मदद नहीं बोल सकती यहाँ पे, सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से। तो चले जी, यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको आज मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।